भी चलते हैं जल्दी से लाइसेंस बनवाते हैं अपना। क्या सीन है, आपके भाई का ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, ठीक है, वोट नंबर सर्टिफिकेट भी निकल गया, तो 2 महीने हुए खाली, 18 साल हुए, मैंने करवा लिया अपना कार्ड लाइसेंस बनवा लिया। ये बराबर में रखा हुआ है, पर पूरे नहीं है ना कुछ के। आओ, आओ। आ, ब्लू भी लेना सी, ब्लू भी एक चल गिर जाएगा, तू गिरने के चक्कर में इसको नहीं तोड़ दियो, वो डब्बे फंस रहे हैं, एक उठा कर दे। काम करके नहीं रखा कर पूरी जाएगा। एक भी नहीं, तीन तीन दिए, क्योंकि उसका मालिक दोस्त है, मालिक था तो तीन तीन, वरना एक देते हैं खाली है। और केचप भी दो देते हैं, चार केचप दिए। और ये फ्राइज हुसैन साहब ने रास्ते में खाते हुए हैं। और भाजी गोल गप्पे, मीठी चटनी आए, और ये पानी वाली। जाओ सेंस के लिए कुछ लेकर आओ। फोटो स्टेट कराते हैं, उसके बाद जी जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर आते हैं लर्नर, तो बस चलते हैं, काफ़ी दूर ऑफिस है मतलब जहाँ लाइसेंस वगैरह बनता है, तो लेट्स सी चलते हैं अभी जल्दी से, वो देखा वो बनवा रहा, फिर एक छोटा सा काम भी है वो भी करते हैं, चलते हैं जी डायरेक्ट लाइसेंस ऑफिस, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस वहाँ से बनता है। तो अभी गर्मी बहुत है यार, अभी इसमें फंस जाऊँगा यार। हाँ ये रोड सही है, वो रोड भी ख़राब है थोड़ा, मैंने कटिंग शटिंग करानी थी, बट यार वो अभी भी तस्वीर लेंगे, उसके बाद जब रिन्यू होगा मतलब अभी तो लेना मिलेगा, उसके बाद जब पक्का मिलेगा उसमें भी तस्वीर लेंगे, तो अभी बगैर उसकी करवा लेते हैं, फिर आगे कटिंग शटिंग कराते हैं, फिर देखते हैं यार, फिर नेक्स्ट जो बनेगा ना उसमें थोड़े सही बन के जाएंगे, क्योंकि फिर वो रिन्यू होता रहेगा आगे, या परमानेंट पिक्चर नहीं होगी, वो परमानेंट हो जाएगी। अभी आगे तकरीबन 2 किलोमीटर रास्ता, 1.5 किलोमीटर आराम से है, करीब में ही मिलता है कच्चा लाइसेंस, तो कच्चा लाइसेंस बोलते हैं, तो पर ना मुझे थोड़ा काम भी है उधर ना, तो इस वजह से उस जगह से ही बनवा लेते हैं, जैसे मेन ऑफिस वो है जहाँ हम जा रहे हैं, वो चूँकि बैक साइड का ऑफिस है, तो जाते हैं यार जो भी प्रोसेस वगैरह कंप्लीट करते हैं। नहीं जी पहुँच चुके हैं, बस जैसे ऑफिस है ना अंदर मुड़ना है इधर, पहले हम ऑफिस आते थे पर अब चेंज हो चुका है, ये देखा ये ताले खड़े हैं,
प्रिजन वैन खड़ी हुई है, वो देखो वो ब्लड प्रूफ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं, डाले छाले खड़े हैं भाई। सामने जाना है कहीं, बाइक पीछे पार्क करिए तो भी चलते हैं, जल्दी से लाइसेंस बनवाते हैं अपना, बचा लाइसेंस फिर 42 दिन बाद पक्का लाइसेंस, हमारा लर्निंग लाइसेंस, बाइक हमारी फिक्र अपना उस तरफ खड़ा हुआ है इनके पीछे, तो भी चलते हैं कपड़ा उठाते हैं यार, गर्मी कम है, इतना गर्मी होती ना बच्चे हाथ में आ जानी थी, क्योंकि जिधर इतनी दूर हम आए ना, काम था इस वजह से आए वाला वहीं से लेते, 45 दिन बाद पक्का बन जाएगा। ऑफिस आए इधर पानी शानी पीते हैं, उसी के सामने यहाँ बाइक खड़ी नजर आए, फुकर अपना वो तो बस चलते हैं पानी शानी लेके, चलते हैं जी लेकर लाइसेंस बन गया, जो दूसरा काम था ना मेन वो करवाते हैं लुमी साइल के लिए, वो सामने और उधर रोड पार करना पड़ेगा वो काम कराते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं जी घर, कटिंग शटिंग करवा कर आते हैं, बड़ी गर्मी है यार, गर्म हो गई कसम से हमारी, पहले घर से शनाख्ती कार्ड दोबारा मंगाया, लाना भूल गए, फिर मंगाया, फिर अब दोबारा जाना है यार, फिर प्रिंट करवाया इधर आके, सीन है आपके भाई का ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया ठीक है, वोट नंबर सर्टिफिकेट भी निकल गया उम्मा का, क्योंकि डुबी साइल आगे PRC बनेगा, अभी जो रह गया ना वो एक वफाकी मोती से काम रह गया, वो देखते हैं वो करते हैं जाकर, फिर उसके बाद फिर चलते हैं घर, फिर 45-45 दिन बाद दोबारा आएंगे, अपना वोट पे अपना नाम भी चढ़वा लेंगे, क्योंकि कार्ड बन चुका है इसी साल, और दूसरा अपना पक्का लाइसेंस भी बन जाएगा, फिर इस्लामाबाद में कहीं भी चलाओ चलान नहीं होगा, वरना चलान हो जाता था, शुक्र है लगा आज तक तो हुआ नहीं, फिर भी एक याद रूढ़ी और होना चाहिए यार, क्योंकि अभी मैंने शुरू में ही बनवा लिया, मैंने अभी 2 महीने हुए खाली, 18 साल हुए मैंने करवा लिया अपना कार्ड लाइसेंस बनवा लिया, चलते हैं यार, अभी गर्मी शुक्र है कम है आज, फिर भी है ना ये तो बहुत ज़्यादा कम है, चलते हैं यार, अभी अलहमदिल्ला ये काम भी हो चुका है, अबे इसकी गलियाँ ऐसी हैं, सारी गलियाँ जैसी हैं इस सोसाइटी की, घूम फिर के उधर ही आ जाओगे, तो यार अभी चलते हैं काशिप के पास, काफ़ी टाइम हो गया काशिप के पास, पानी खानी पीते हैं, हवा शवा खाते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे घर, काम अलहमदिल्ला सारे हो चुके हैं, ये देखें इधर निशान लगा हुआ है, देखें तो क्या देखें, अभी फाके मोती इसका रह गया है, तो अभी ये हो जाए बस फिर हमारी जान छूट जाएगी, वो हो चुके हैं बाकी 2 काम, ये उन्होंने आगे की बता दिया है काम, यार फाके मोती का वाले बड़े कोऑपरेटिव है, बड़ा कोऑपरेटिव है, गवर्नमेंट का वाइब जा रहा है कोऑपरेटिव, ऐसे तो सारे ही होते हैं, बाकी फिर सोर्स लगानी पड़ती है हर जगह ना, बाकी वाइब ऐसे जा रहा है हो जाएगा, वो कॉल आ जाएगी इस्लामाबाद से, अभी चलते हैं यार काशी पे घर, पता नहीं इस गली में अब उसके घर का एड्रेस बता रहा हूँ जी काशी भाई, अगर ओए तेरा घर ना मैंने ब्लॉग में दिखा दिया पूरा एड्रेस समझा दिया ठीक है, कल तेरे घर की बार रश लगा देख, ये बात लिख के लेकर मैं तेरे घर का एड्रेस लगाऊँ, अभी कुछ टाइम बाद 2-3 महीने बाद ना रश लगे फिर बोली, इधर आते किधर है वे फराज के पास जाने का बोला था, गए आप चले, हाँ चले, मेरा बड़ा मसला हो गया था ना वो काम था, तारा वार जल गई घर की, वो करने में लगा था वो, चले हाँ चले, अभी लैपटॉप भी लेना है आज, चलते हैं ठीक है, अब मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ यार, अभी थोड़ी हम कैमरा ऑफ दी कैमरा बातें करते हैं, कॉल आ रही है कॉल उठा लो, अभी काशी की तरफ आके बैठे हैं, पहले वहाँ बैठे थे वहाँ गर्मी थी, अभी इधर एसी में आके बैठे हैं, तो चलते हैं थोड़ी देर बैठते हैं, वो इधर काम वाम तो नहीं है तो यार अभी फारिग हो चुके हैं काशी की तरह से, शुक्र है मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है, और टाइम हो रहा है जी 4:30, अभी चलते हैं घर, फिर जाते हैं कटिंग शटिंग कराने, देखिए मेन रोड है वाला सामने तो पावर तो ये रास्ता, चलो यहीं से चलते हैं, पास बैठ गए थे, गर्मी बहुत थी नहीं ऊपर है रास्ता, गर्मी बहुत थी इस वजह से बैठ गए थे उसी के पास ही, अभी फ्री वगैरह हुए हैं, तो अभी ठंडा भी हो गया मौसम, टाइम भी तकरीबन 4:30 हो गए, तो अभी जल्दी से चलते हैं घर, फिर जो काम शाम है वो सारे मुकाते हैं, और व्लॉग भी अपलोड करना है और एक चीज़ भी लेने जानी है, शुक्र है लाइसेंस तो बन गया अपना लर्निंग लाइसेंस, अब ड्राइविंग सीखनी है हमने, टाइम हो रहा जी 2:00, आपको पता है मैं काम वगैरह से निकला हुआ था, तो आपको पता है यार काम थे गर्मी की वजह से ना बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, रोड पर गला वगैरह सब कुछ हुआ पड़ा था, तो यार मैं आते तकरीबन 5 बजे आया था, फिर सो गया था, फिर उसके बाद उठा 9 बजे, फिर कटिंग शटिंग करा कर आया, फिर उसके बाद जी
अभी खाना वाना लेने गए हुए थे, पिज़्ज़ा लिया हूँ, दिखाते हैं आपको कैसा है काम। अलहमदिल्ला ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग बन चुका है और रूमी सैल के लिए वो काम भी हो चुका है। रूमी सैल नहीं बना जिसके लिए डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, वोट नंबर सर्टिफिकेट वो निकलवा लिया मैंने। अभी दूसरा एक रह गया है, ये तो रूमी सैल का तो और काम रह गए काफ़ी। अभी एक और काम था वो ऑफिस का था, तो वो भी काम का उसकी अपडेट पूछ कर आ चुका हूँ। तो ये है जी पिज़्ज़ा। कौन सा फ्लेवर है? केचप। कितने का ये भाई? जानने वालों के पास लेके जाता है वो साले भर भर के केचप देते हैं। 8 केचप 7। तो ये जी अपना पिज़्ज़ा, इतना खाया तो नहीं जाता, चले पीस में खा लेंगे आधा आज, मतलब आधा अभी, आधा एक घंटे बाद, आधा एक घंटे बाद। तो अभी यार एक स्लाइस उठाते हैं, चेक करते हैं क्या टेस्ट है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेन आउट ऑफ 9.5। बहुत मज़े का। इनको मैंने बोला वो बनवाओ बारबेक्यू फ्लेवर, जो सॉरी मैंने उसको बोला था मलाई बूटी फ्लेवर, इन सब ने बारबेक्यू फ्लेवर बना दिया। पहले बारबेक्यू बोला था फिर मलाई बूटी बोला था। अभी खाना खाते हैं फिर ब्लॉग श्लॉग एडिट करते हैं, सारे ब्लॉग उसमें पड़े हैं, ब्लॉग श्लॉग सारे एडिट करते हैं। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो यार रात को ना नाश्ता डिनर करके आपका भाई सो गया था, ठीक है। तो अभी सुबह उठ गया था तकरीबन 7 बजे, ठीक है, खाली 3 से 4 घंटे की नींद बस। तो अभी यार नाश्ते में लाया हूँ जी बिरयानी। मेरा ना हलवा पूरी खाने का मूड नहीं था, बिरयानी खाने का मूड था, तो मैंने थोड़ा वेट किया। फिर उसके बाद बाहर वेदर इतना प्यारा हो रहा है, भल्ला का प्यारा हो रहा है। फिर मैं गया बिरयानी लेने बंदा रोड, ठीक है, बना रोड बिरयानी मिली। आज राइड करने का भी बड़ा मज़ा आ रहा था, आपके भाई ने फुल लंबा टर्न लिया, यू गेट वगैरह घूमता हुआ, फिर घंटाघर से ही बिरयानी लिए, तो मज़ा बहुत आ रहा था राइड करने का। इसलिए भाई थोड़ा मैं घूमता रहा क्योंकि मज़ा, फुल क्लाउडली वेदर हो रहा है, धूप भला की नहीं है, 11 बज रहे हैं और लग रहा है शाम के 5 बज रहे हैं, तो मज़ा बड़ा है। तो मोबाइल चार्ज नहीं था इसलिए मोबाइल लेके नहीं गया था। दूसरा ट्राई करते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू और चिकन की बिरयानी है जी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे यार आलू आई थिंक डाला ही नहीं उसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार, लिटरली मज़ेदार है, और बंदर रोड वाली का अलग ही लेवल है। तो बस खाते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि ना जो बंदर रोड से लाते हैं ना उसका जो हाफ़ है ना वो तकरीबन एक बंदे का पेट भर सकता है, और इसका जो हाफ़ है छोटा सा है, तो मैं लेता हूँ 2 हाफ करके 2 ले लेता हूँ इनसे। तो इधर इसने दिया जी आलू, उसमें आलू नहीं दिया था। और मैं लेता हूँ चिकन बिरयानी में आलू के बगैर मज़ा नहीं है, चिकन बिरयानी इनकम्प्लीट है आलू के बगैर, आलू से बहुत मज़ा आता है। बोटी का जो मज़ा है ना बोनलेस बोटी में मज़ा ही नहीं है, जो सिल बोटी का मज़ा है ना वो है हड्डी वाली, मतलब जिसके अंदर हड्डी हो। फिर अभी खाना खाते हैं उसके बाद कपड़े वपड़े प्रेस कराते हैं फिर नमाज़ पढ़ने चलते हैं।